भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी चर्चा इस बैठक के जरिए होगी। कांग्रेस ने 22 जनवरी प्लान पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस आलाकमान के रामलला प्राण प्रतिष्ठा की न्योते अस्वीकार करने के फैसले को दिग्विजय सिंह ने सही ठहराया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने भी राम मंदिर के चंदे को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का बात की बात है, राम भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारे मंदिर में वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। तो पिछला जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो पैसा भी राम मंदिर में बीजेपी लगाए, आरएसएस लगाए, न सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए। वो पैसा का हिसाब जनता को दे, इस देश की जनता हिसाब मांग रही है कि राम के नाम से गरीब आदमी का पैसा वहां गया, वो पैसा गया कहां? उस पैसा का भी हिसाब आरएसएस और बीजेपी दे और राम मंदिर भव्य बने, ये हमारी मांग है। कांग्रेस राजनीति नहीं करती राम का नाम से, राम सबका है। कांग्रेस राजनीति नहीं करती, राम ने और राम हम लोग सब मिलके हम सबके साथ हैं। उधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों को एक और सौगात मिली है। अयोध्या